तो फिर मुझे और क्यूरियोसिटी रही कि मैं इनके बारे में और कुछ ज्यादा जानूं, क्योंकि एक तो मुझे वो अवनपुर गांव अभी तक मिला नहीं था, वो शिव मंदिर भी मिला नहीं था, सिर्फ अभी किसी व्यक्ति की मेरे साथ में सेम टू सेम बातें हो भी सकती है, जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ। तो इसके लिए मुझे वो गांव मिलना उस एरिया में जरूरी था, वो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। फिर उन्होंने पूछा वो आवनपुर गांव था, बोले हमें पता नहीं उनको आवनपुर गांव कुछ, बोला यहाँ नजदीक कोई आवनपुर गांव है, बोले नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर बाकी कुछ बातें उनके फैमिली के बारे में मैंने पूछा, आप कितने भाई हो, क्या हो, और मुझे आपकी ये जानकारी फैमिली के बारे में कहाँ मिल सकती है। तो उन्होंने बताया मेरे चाचा का एक लड़का है, वह बेंगलोर में इज हाईली एजुकेटेड पर्सन, मैं तो स्वामी हूँ, धर्म का काम करता हूँ, उनके पास पूरे हमारी फैमिली की एक किताब बनाई हुई है जो 5-7 पीढ़ी से लिखी हुई है, और उन्होंने उसमें फोटोग्राफ भी रखे हुए हैं हमारे सब पिताजी, उनके भाई, उनके पिताजी, उनके भाई, अभी के लड़के, इनके बच्चों तक का सब इतिहास उसमें लिख के रखा। यह मुझे बहुत जरूरी और अच्छा लगा। आपका जो देहांत हुआ और आपका रिबर्थ हुआ उसके बीच में कितना, हाँ ये बात मैंने उनको पूछी कि जो आपके चाचा थे उनकी डेथ 1954 में सितंबर वगैरह में थी क्या? अब ये पूछने का कारण मेरा थोड़ा सा अलग था, ये पट्टी में लिखा हुआ नहीं था। मैं मेडिकल साइंस से हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा बर्थ 1955 में जनवरी में हुआ है, और मेडिकल साइंस और हमारा धर्मशास्त्र ये मानता है कि 4 महीने का गर्भ होने के बाद उसमें प्राण आते हैं, आत्मा आता है। तो मुझे 4 महीने पीछे जाके ये चेक करना था, शायद हो सकता है या शायद और कोई लाइफ हो सकता है। तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि यस हमारे जो चाचा थे 54 में अगस्त सितंबर में ही एक्सपायर हुए थे, ये बात उन्होंने मुझे वहाँ पर बताई। तो उनकी डेथ सितंबर के दरमियान 54 में हुई, और मेरा इस बर्थ जो आज का है वो जनवरी 55 का है। अच्छा, सो मतलब 4-5 महीने का गैप हुआ था जो कि आपके के साथ मैच हो रहा है। मैच हो रहा है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर अभी आगे बताएं कि आपने वो मंदिर जहाँ, तो फिर वहाँ पर वो बेंगलोर वालों का हमने एड्रेस वगैरह लिया, मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करनी थी, मगर वो आवंटन उनको ही पता नहीं था। फिर वहाँ से हम थोड़े से हंसते और थोड़े से निराश होके निकले, क्योंकि अभी भी मेरा 100% विश्वास सही सब बातों पर नहीं बैठ रहा था। तो वहाँ से हम निकले, बोले अभी आवंटन का और कहीं होगा तो ढूंढेंगे, नहीं तो अभी छोड़ देते इस बात को। और वो करते हम निकले, जो मेरा रमेश गायन था उसको मेरे से ज़्यादा क्यूरियसिटी बढ़ गई थी एक्चुअल में, और उसने आगे आने के बाद कुछ डिस्टेंस के ऊपर गाड़ी रुकाई और कहीं जाके कुछ किसी को पूछ के आया, और मेरे पास भागते भागते मुझे बताया सर मिल गया। वो इतना खुश था कि जैसे कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। और उन्होंने बताया कि सर यहाँ से 7-8 किलोमीटर पर आवनपुर गांव है। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ 7-8 किलोमीटर पर यहाँ से आवनपुर गांव है, तो क्या करना है? बोला चलो गाड़ी घुमा उधर चलते हैं। और वहाँ से अपने टर्न लेके आवनपुर की तरफ हम पड़ गए। अवंतपुर की तरफ गाड़ी में जाते समय कुछ डिस्टेंस के बाद में, 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद में हमें एक छोटा सा मंदिर रोड के साइड में दिखाई दिया, मैंने वहाँ पर गाड़ी रुकाई। तो बोला ये क्या मंदिर है? बोला ये तो माता का मंदिर है साहब, ये शिव मंदिर नहीं है, यहाँ कुछ उतरो मत। नहीं बोला यहाँ उतरेंगे हम, यहाँ देखेंगे, यहाँ पूछताछ करें। वहाँ पर उतरा तो वो भगवती माता का मंदिर था, और उस मंदिर में जाके दर्शन लिया। फिर वहाँ के पुजारी को मिला, और पुजारी को मैंने पूछा ये कौन सा गांव है? बोले सब आवनपुर के इसमें आता है, आवनपुर गांव आगे है मगर आवनपुर में ही आता है। तो उसको पूछा ये मंदिर यहाँ अकेला है और भी कुछ है? बोले एक ही मंदिर है, कुछ नहीं। बोले यहाँ शिव मंदिर है? नहीं बोले साहब यहाँ शिव मंदिर, भाई यहाँ शिव मंदिर होना चाहिए, तुम ना क्यों बोल रहे? एक्चुअली मुझे ये बात कन्नड़ आती नहीं थी और उस पुजारी को हिंदी समझता नहीं था, ये जब बातें हमारे गाइड थ्रू होती थी क्योंकि उसको दोनों भाषा समझती थी। तो फिर उसने बाद में बताया, डरते डरते बताया, क्यों डर रहा था मुझे पता नहीं। बोले साहब यहाँ जंगल में 1-2 किलोमीटर अंदर बहुत पुराना शिव मंदिर है। बोला है तो सही? हाँ बोले है, मगर वो अंदर है, वहाँ जाना नहीं है। वो क्यों नहीं जा रहा है? बोले वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, जो आदमी अंदर जाता है मर जाता है, पेड़ गिरता है, वो नारियल गिरता है, लोगों को तकलीफें होती है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं, इसके लिए हम उस मंदिर को किसी को बताते नहीं है और वहाँ जाने के लिए हम किसी को परमिशन देते नहीं। यार मैं वहाँ रुक गया, मुझे वहाँ पर कुछ डाउट्स आ गए।
इसके लिए मैं वहां रुका, उस पुजारी को मैंने रिक्वेस्ट की कि वहां जाना है मुझे, जाने दो आप और आप भी चलो। वो बोले बिल्कुल मैं तो आऊंगा ही नहीं और आपको जाने के लिए बोला। फिर मैंने वो रमेश गाइड को लेके जो ट्रस्टी मुझे मणिकिरी में मिले थे उनको फोन लगाया और उनको बता दिया कि भाई इस मंदिर में मुझे जाना है और मेरा कुछ खास मकसद है, तो आप अगर यहाँ आएंगे तो बोल। आधे घंटे के अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर 5-6 ट्रस्टी मणिकिरी के वहां पर आ गए भगवती मंदिर के वहां और मुझे मिले। और उनको मैंने बताया कि बोले आप क्यों आए हैं, बोले नहीं बस ऐसे ही आया हूँ, मेरा कुछ अलग मकसद है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ पहले सोचने दो समझने दो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो बोले यहाँ जो मंदिर है अंदर वहाँ जाना है, बोले नहीं सर आप बीबी के साथ में बच्चों के साथ में आए, क्योंकि मेरे साथ में मेरी मिसेज थी, मेरी लड़की थी दीप्ति, हम तीनों थे साथ में। तो बोले आप बीबी बच्चों के साथ में आए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप अंदर मत जाइए, दिस इज एक्सीडेंटल जोन। बोले एक्सीडेंट क्यों होते हैं, बोले वो हमको पता नहीं है मगर यहाँ आने जाना। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि देखो सर मुझे यहाँ जाना बहुत जरूरी है, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे अंदर जाने की परमिशन दो, मुझे कुछ नहीं होगा, जो होगा तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो बोले ठीक है आपको जाना है तो आप जाओ, हम क्या कर सकते हैं, मगर हमारी मानो। बोला नहीं मेरी रिक्वेस्ट उल्टी आपसे ये है कि आप भी हमारे साथ चलो। तो बोले यार हम नहीं आएंगे। बोला आप तो ट्रस्टी हो मंदिर के, आप क्यों डरते हो, अभी ये एरिया भी तो मणिकिरी के अंदर ही आता है, तो यहाँ के भी ट्रस्टी आप इन्हें। बोले वैसे तो कागज पर ये मंदिर हमारे साथ में, यहाँ के ट्रस्टी भी हम ही है। बोला तो आपको आना है, तो उसमें कुछ बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला ठीक है आप कुछ बोल रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है, चलो हम भी कभी गए नहीं अंदर जाएंगे। और वो चारों पाँचों ट्रस्टी मेरे साथ में निकलने के लिए तैयार हुए, पुजारी नहीं आ रहा था, तो मैंने ट्रस्टियों को विनती करके पुजारी को भी साथ में लिया, वो बहुत घबराया हुआ मगर मेरे साथ में आया। एक 2-3 किलोमीटर अंदर वो पूरा जंगल था, यानी चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, मतलब कांटे पेड़ ऐसे बाजू में हटा के चलते रहे हम लोग। और चलने के बाद अप्रोक्सीमेट उनको मालूम था किस तरह मंदिर है, ऐसे ढूंढते हम एक जगह पर पहुंचे, तो वहां पर पूरा ऐसा एक थोड़ा सा कैसे जिसको हम बोलते हैं ओपन एरिया जैसा, जहाँ पेड़ नहीं थे, ऐसा एक एरिया था और बीच में कुछ 4 दीवारें आधी गिरी हुई थी और अंदर एक शिवलिंग था, पूरा टूटा फूटा था। वो मंदिर देखने के बाद मैं उसका रुक गया वहां पर, ये मंदिर हो सकता है, पता नहीं है अभी यही है या और कौन सा है, मगर वहां मैं रुक गया। और मैंने फिर वहां बोला कि मैं अंदर जाके दर्शन, अभी यहाँ तक आए, बोले अंदर, बोला देखो साहब यहाँ तक आए कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, कोई तकलीफ ना आपको हुई ना मुझे हुई, बराबर यहाँ तक तो अपन आराम से पहुंच गए, अभी मुझे अंदर जाके सिर्फ दर्शन लेने, अभी यहाँ तक आया हो तो शिवलिंग अभी दर्शन तो ले लूँ। तो बोले नहीं साहब वो बोर्ड पढ़ो, वो कन्नड़ में लिखा हुआ था, वो मुझे तो कन्नड़ नहीं आता है, उन्होंने पढ़ के बताया कि ये कब लगाया मालूम नहीं, बोले कितने साल हो गया, इधर लिखा है गर्भगृह के अंदर जाना मना है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है, किसी को भी ऐसा नहीं, सबको सबके लिए मना रखा हुआ है। बोला ठीक है वो है मगर मुझे अंदर जाना है, अभी वो पुजारी की परमिशन लेनी मेरे हिसाब से धर्मशास्त्र के हिसाब से जरूरी था, पुजारी भी नाना बोल रहा था मगर वो हमारे गाइड ने उसको कुछ समझाया और उसने मुझे परमिशन दी, जाना है तो आप आपके रिस्क पर जाओ, मेरे लिए उतना ही काफी था। और मैं मंदिर के अंदर जाके गया, गर्भगृह के अंदर वो शिवलिंग के दर्शन लिए, उधर से चक्कर लगे, प्रदक्षिणा कर दी उसकी और आराम से वहाँ बैठ के मेरे फोटो वगैरह निकाले। वहाँ मुझे कुछ अलग महसूस हुआ, क्यों हुआ पता नहीं है, मगर मुझे लगा यस यहाँ पर कुछ तो मेरे साथ में है जुड़ा हुआ है, जैसे इंट्यूशन कहते वैसे कुछ मुझे हो रहा था। फिर दर्शन लेके मैं बाहर आया, मैंने मेरे मिसेज ने बच्चियों ने उसके सबके फोटो वीटो निकाले, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई इस मंदिर के पीछे कोई कुआ है, बोले सब हमको तो मालूम नहीं। फिर हम ट्रस्टियों के साथ में पीछे गए, अभी कोई ट्रस्टी डर नहीं रहा था, सब बिल्कुल शांत हो गए थे, मतलब बिल्कुल सबके मुंह पर एक खुशी छा गई थी।